Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I'm Suman. मेरे एक मेंबर का बर्थडे था एंड मैंने उन्हें कॉल करा एंड मैंने उन्हें बोला कि आपने कल क्या खाया, जस्ट रैंडम क्वेश्चन विश करने के बाद. शी सेड कि मैंने मोमोज खाए, मैंने जंक के नाम लिए जो कि नहीं खाने चाहिए जब आप किसी भी वेट लॉस जर्नी पे होते हो, और ये इस टाइप का जो जंक फूड है वो नहीं खाना चाहिए. आपकी लाइफस्टाइल चेंज होनी चाहिए और चीट करने से पहले उसकी जो हमारे पास आइटम्स हैं उसमें हम हेल्दी ऑप्शंस कितना चूज़ कर सकते हैं वो हमें एक सीखने की बहुत ज़रूरत है वेट लॉस करने के बाद या वेट लॉस का जर्नी करने के बाद. नहीं तो जो लूज़ किया है वो भी गेन होगा और बॉडी में जो फ्लक्चुएशंस होंगे वो बहुत ही अलग लेवल पे हैं. सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक संडेज़ के चीट मील की 2 रेसिपीज़. अगर आपको चीटिंग करने का मन है, और मुझे ऐसा लगता है मैं संडेज़ को और संडे की चीट मील्स की और ऐसी रेसिपीज़ बनाऊँ ताकि आप लोगों को इस तरीके से ज्ञान मिल सके, आप लोगों को इस तरीके से नॉलेज मिल सके कि हमें एग्जैक्टली चीटिंग करना कैसे है. अगर हमें चीट भी करना है तो हमें क्या चीट करना है और हमें किस तरीके से चीटिंग को रखना है ताकि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी फॉर्म में चले. 4 साल हो गए हैं मुझे वेट लॉस करे हुए और मैं उसको मेंटेन करती हूँ, और मेरी जो चीटिंग की जो हैबिट्स हैं और मैं जो चीट करती हूँ वो मेरे ख्याल से मैं बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ और मैं बहुत अच्छे फूड आइटम्स चूज़ करती हूँ चीटिंग करते समय. और मैं मोमोज पास्ता पिज़्ज़ा वाली पर्सन नहीं हूँ. मैं जब भी बाहर जाती हूँ, और मैं बहुत बाहर जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ, बहुत गैदरिंग करती हूँ. अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करती हूँ, और बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल है मेरा तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है मेरा. और मैं जब भी बाहर जाती हूँ और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे पास कुछ हेल्दी आइटम्स हो. नाउ अब हम बात करते हैं कि आप लोगों की वेट लॉस तो बहुत लोग कर लेते हैं, करते हैं, कराते हैं, बट मेंटेन करना एक अपने हाथ की चीज़ है, लाइफस्टाइल को कैरी करना. आपसे मैं एक एवरी संडे सिर्फ चीट मील्स मैं यहाँ पे शो करूँगी आपको कि चीट मील्स में आप किस टाइप की रेसिपीज़ यूज़ कर सकते हैं घर पर ही, और मैं कौन कौन सी रेसिपीज़ अपनी बनाती हूँ जब मेरा चीटिंग करने का मन होता है. केक हो गया, चॉकलेट बार हो गई, पुडिंग्स हो गई, या फिर मेरा कुछ गोलगप्पा हो गया. मैं अब जैसे परसों ही मैंने आम के पानी के गोलगप्पे बनाए थे एंड गोलगप्पे भी मैंने घर पे बनाए थे. तो मुझे लगता है मैं हर एक एक रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में लागू कर पाओ ताकि आपका जो एक लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल हेल्दी रहे और बीमारियों से आप लोग बचे रहो. सबसे बड़ी चीज़ है बीमारियों से. सो आज हम बात करते हैं चीट मील्स की. सो काफ़ी लोगों को संडे को क्रेविंग होती है ना, सुबह सुबह आलू का परांठा खिला दो, कुछ चटपटा सा खिला दो, कुछ मज़ेदार सा खिला दो ताकि संडे है और वेट लॉस जर्नी भी इफेक्ट ना हो. सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ 2 पराठास की रेसिपीज़, यम्मी आलू का पराठा और अचारी पराठा, और वो कैसे बनाना है चलते हैं किचन में. सो सबसे पहले हम गूंध रहे हैं आटा. आटा गूंदने के लिए यहाँ पे मेरे पास है पानी, और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ मेरा 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, और इसको हम बहुत अच्छे से अभी मिक्स कर देंगे. ओके जी, सो यहाँ पे अब गूंदने जा रहे हैं हम आटा. ये है मेरे पास गेहूं का आटा 1 कटोरी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 छोटी कलछी जौ का आटा, विच मीन्स बार्ले का आटा मेरे पास ज़्यादा डाला है मैंने और गेहूं का आटा मैंने कम डाला है. टफी महाराज को लग रहा है चिकन का कुछ बन रहा है, शांत. इसके अंदर अब हम डालेंगे कुछ चीज़ें. सबसे पहले आटे के अंदर मैं डालूंगी अजवाइन. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा पिंच ऑफ हिंग पाउडर, एंड अभी आटे को अच्छे से गूंदने के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी, और अब हम इस हल्दी वाले पानी से आटा गूंदेंगे. आटा मैं नहीं गूंदूंगी, आटा मेरी संजना गूंदेगी क्योंकि मेरे नेल्स हैं. सो यस, यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं फिलिंग की. सो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बॉइल्ड आलू है, इसको अब हम मैश कर देंगे. सो इसमें अब हम सबसे पहले डालेंगे अमचूर. नेक्स्ट इज इसके अंदर भी हम डाल देंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, भुना हुआ जीरे का मसाला पाउडर, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे. ओके जी, सो यहाँ पे अब हमारा आटा जो है वो बिल्कुल तैयार है. इतना प्यारा आटा गूंदा है. आटा तब तक परांठों का तैयार नहीं होता जब तक
जैसे अगर कहीं पे कट्स दिख रहे हैं आटे के, तो फिर वो आटा परांठों के लिए रेडी नहीं है। सो ये बिल्कुल अच्छे से गूंदा गया है लिस्ट लिस्ट के, सो ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हमारे आलू के बॉल्स भी तैयार है, उबले हुए आलू के, और ये रहा हमारा हरा धनिया। तो हम बनाते हैं परांठा। तो इसमें मैंने डाल दिया मेरा आलू। नेक्स्ट है इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा हरा धनिया। ना मैंने नमक लगाना, ना ही मैंने कुछ और, क्योंकि नमक दोनों में डाल चुके हैं हम। बड़ी प्यारी सी क्यूट सी पोटली बना लेंगे जी। और ये जो एक्सेस ऑफ आटा है इसको हमने निकाल दे के रख देना है। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे इसको, बहुत ही हल्के हाथ से। ओके, सो तवा जो है मेरा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर मैं लगा दूंगी हल्का सा घी। अब ये रहा हमारा परांठा। अब क्या इधर गर्मी में बैठा है टफी। ओके जी, सो ये रहा हमारा परांठा बिल्कुल तैयार है। इसको हम सर्व करेंगे। पीसीओडी वाले लोग दही अवॉइड करेंगे, जिन जिनको पीसीओडी नहीं है, यस आप दही लीजिए, घी लीजिए, सैलेड लीजिए, और सबसे बढ़िया चीज़ अचार, आम का अचार के साथ खाइए। ओके जी, सो अब हम सेकेंड हम बनाने जा रहे हैं अचारी परांठा। अचारी परांठा के लिए ये मैंने ले लिया है पेड़ा। ओके, नेक्स्ट इज इसके अंदर मैं डाल दूंगी यहाँ पे प्याज और हरा धनिया की पिलिंग। ओके, उसके बाद सबसे बढ़िया चीज है ये है मेरे घर का अचार, जो कि मेरी मामी ने मुझे बना के दिया हुआ है, और इसको भी हम इस फिलिंग में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ हिंग पाउडर। अब हम इसका बनाएंगे पेड़ा। कॉर्नर्स को लॉक कर देंगे। ओके जी, तवा गरम है जी, यहाँ पे हमने लगा दिया है थोड़ा सा घी, और ये जो मेरा परांठा है, बढ़िया। अब हम इसे बहुत अच्छे से सेकेंगे। ओके जी, सो ये मेरा करारा परांठा बिल्कुल रेडी है, और इसको हम लेंगे घी के साथ, संडे ब्रेकफास्ट दही के साथ। वेलकम बैक जी। सो इसको कौन कौन खा सकता है? सब खा सकते हैं इसको, हर बंदा खा सकता है। पॉइंट है कि जिन जिन लोगों को पीसीओडी है वो बस दही अवॉइड करेंगे, बाकी सब खा सकते हैं। आप घर का ताज़ा मक्खन के साथ खा सकते हैं, जिन लोगों को बड़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है अमूल के बटर की वो भी खा सकते हैं।
एंड पॉइंट इज कि ये मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, आप इसको लंच में डिनर में यूज मत कीजिएगा, बट यस इसको हम ब्रेकफास्ट में रखेंगे। इस हिसाब से आपका संडे का संडे बन गया, और वेट लॉस का वेट लॉस भी इफेक्ट नहीं होगा, आपका जर्नी लूज नहीं होगा नेक्स्ट डे, एटलीस्ट गेन भी नहीं होगा। मेरा बेस्ट 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 और मोस्ट फेवरेट परांठा है अचारी परांठा, मुझे बहुत यम लगता है, मैं काफ़ी टाइम अपने ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड लीव योर कमेंट कि आपको कैसा लगा। या दैट्स इट, एंड मुझे कुछ कमेंट्स करके बताइएगा प्यारे प्यारे कि आपने आपको ये सीरीज़ चाहिए, चीट मील की सीरीज़ चाहिए, तो उस हिसाब से मैं एवरी संडे आप लोगों के साथ एक चीट मील रेसिपी शेयर करूँगी, ताकि आपका वेट लॉस जर्नी भी ख़राब ना हो और आपको खाना भी अच्छा अच्छा यमी यमी मिले, और आपका जर्नी जो है वो स्मूथ चले, और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, और उसी के अंदर अपनी पूरा जो हेल्थ है उसको संभाल के आप लेके आगे चल सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, सो टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।